अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KooKingK.com। आज की इस रेसिपी में हम बना रहे हैं एक स्पेशल चटनी जो पकोड़ों और समोसों के साथ खाई जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप इमली का गूदा ले लिया है। चार से पाँच मैंने यहाँ पर लंबी वाली साबुत लाल मिर्च ली है। इसे मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। चार से पाँच मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे लिए हैं और एक चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसमें ये भीगी हुई मिर्चें पानी से निकाल कर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे, इमली का पल्प डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर चटनी हमारी ब्लेंड हो चुकी है। इसके बाद हम इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखें, चटनी हमारी एकदम रेडी है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर तकरीबन 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। इसे पकोड़ों, समोसों और किसी भी किस्म के स्नैक्स के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।